Pakistan! Hai hai! Pakistan! Hai hai! Pakistan! Hai hai! Ugarwadi! 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 Hai hai! सर ये जो एक हिंदुस्तानी को वहाँ मार दिया गया उसको लेकर के आज का प्रोटेस्ट है। वो मारने गए थे बिंद्रू के रिश्तेदारों को, लेकिन बिंद्रू के रिश्तेदारों को उन्होंने नहीं मारा क्योंकि बिंद्रू का रिश्तेदार मिला नहीं, इसलिए उन्होंने उसको मारा। कश्मीरी पंडित को मारने का प्रयास था, चुन चुन करके किलिंग करने का प्रयास था। ये कम्युनल टेंशन पैदा करने का प्रयास था, जिस प्रयास को वो दूसरा बंदा हाथ के अंदर आ गया, लेकिन वो भी हिंदुस्तानी मारा गया। आज कश्मीरियत कहने वाले लोग किधर हैं? वो कश्मीरी जो मर रहे हैं उसके विषय के अंदर नेता चुप किए हुए हैं, सिर्फ अपने मुखारबिंद से गलत हो गया। इतने शब्दों से कुछ नहीं होगा। जब तक महबूबा मुफ्ती और बाकी नेताओं को पकड़ करके तिहाड़ जेल बंद नहीं किया जाएगा अंदर खाते, और वो जो लोग हुईयत के नेता जो वहाँ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस का, और इतने तक पैसा इकट्ठा करके कश्मीरियत को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उसके विषय के अंदर नेता क्यों नहीं बोलते? आर पार की जंग नहीं होगी 65-71 की, इसका समाधान नहीं होगा। आर पार की जंग करो माननीय मोदी जी, और इसका समाधान करने का प्रयास। जिस तरीके से बात कर रहे तो क्या मानकर चले कि लगातार जो कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे, 90 का दशक जो है वापस दोहराने का प्रयास जो है आतंकी द्वारा? 90 का दशक वो लाना चाहते हैं, लेकिन सरकार बड़ी तेज है। 70 वर्ष के अंदर कभी जो अंदर बैठे हुए पाकिस्तानी कर्मचारी थे उन पर कभी कार्रवाई नहीं हुई, पहली बार हुई। उसके बाद में ये जो लोग तिहाड़ जेल भेजे गए पहली बार, कार्रवाई हो रही है, लेकिन 70 वर्ष की समस्या का समाधान 1 मिनट के अंदर नहीं होगा, उसके लिए समय लगता है। लेकिन जो हिंदुस्तानी हमसे अलग हो जाएंगे वो वापस नहीं आएंगे, इसलिए मांग करना चाहता हूँ उन पर कार्रवाई करो और उनको तिहाड़ जेल भेजो। पहले महबूबा मुफ्ती को भेजो, बाकी नेताओं को भेजो, हुर्रियत के नेता जो यहाँ कश्मीरियों से पैसे लेते थे मेडिकल कॉलेज की सीटें पाकिस्तान के अंदर, और कश्मीरियत को मारते थे, आज वही कश्मीरियत की बातें कर रहे हैं, इसलिए बर्दाश्त नहीं हो रहा। पाकिस्तान को सुधारने के लिए आर पार का जंग होना चाहिए, और ये जो माइनॉरिटीज की किलिंग चुन चुन करके सिलेक्टिव किलिंग, इसका अगर बाहर कहीं बात जाएगी तो फिर अंजाम बड़ा ख़राब होगा, इसलिए उन